बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं और साहब? आई होप कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, शादोबाद रखे, और आप जहां भी रहें अल्लाह ताला आपको अपनी हिफाजत में रखे, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह ताला का शुक्र है। तो अभी बस ब्लॉग शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो व्यूअर्स, ये अभी अभी ना मेरी बेटी रूम में आई हुई थी और वो सारे माशाल्लाह सारी डस्टिंग वगैरह सफाई वगैरह करके ना सारे रूम की गई है, इस रूम की भी और जो दूसरा रूम है उसकी भी सारी सफाई करके गई है माशाल्लाह। इसलिए कि माशाल्लाह मेरी बहू गई हुई थी, अपने मेके गई हुई थी छोटी बहू जो है, और वो माशाल्लाह आज आ रही है। वैसे तो डस्टिंग वगैरह रोज़ाना ही होती है, लेकिन जब माशाल्लाह लेकिन ये आज की है जो फ्रेश फ्रेश डस्टिंग हुई वो ना वो अच्छी लगेगी, क्योंकि माशाल्लाह मेरी बहू आ रही है तो उसके आने की खुशी में तो ये करना था ना। माशाल्लाह आज आ रही है मेरी छोटी बहू, अपने घर में आ रही है, वो तीसरी दफ़ा गई थी, अपने मेके गई थी, तो मेरा बेटा माशाल्लाह लेने के लिए गया हुआ है उसको, और अभी वो माशाल्लाह आ जाएगी, 6 बजे तकरीबन आ जाएगी वो, क्योंकि मैंने उनको कहा था कि आप ना टाइम से आ जाना, क्योंकि वो रास्ता जो है ना वो ठीक नहीं रास्ता, ज़्यादा लेट हो जाए ना तो फिर वो खतरा ही रहता है उधर से, उधर आमदोरफ जो है ना बहुत ज़्यादा कम होती है, तो इसलिए मैंने उनसे कहा था कि आप लोग ना टाइम से आ जाइएगा। तो चलते हैं हम नीचे और जाके देखते हैं कि आज हमने, वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि आज हमने खाने में बनाना है, आज कद्दू लेके आई हूँ मैं, और बीच में हम डालेंगे आज बीफ और गोश्त, हमने कल लाया था लेकिन कल देर हो गई थी तो हमने पकाया था, और आज हम सब्जी डाल के बनाने लगे हैं वो बीफ। तो चलते हैं हम नीचे, और मैं आपको एक और बात बताऊंगी जो मुझे परेशान करती है, मैं जा रही हूँ नीचे, मैं आपको बताती हूँ जाके। तो अभी बस नीचे जाने से पहले, मैं नीचे जाने लगी थी लेकिन जाने से पहले मुझे ख्याल आया कि ये कितने दिन हो गए ना जो हमारा जो है ना ये ऊपर वाला ये बेसन जो है ना इतना जो है ना ऊपर से गंदा हुआ है, ये देखें, तो मुझसे साफ नहीं हो सका, और अब मैं ये साफ करके जाती हूँ जाते जाते, और नीचे से भी खराब हो गया, तो मैं अब जल्दी से ना कर लूँ साफ, तो फिर जाती हूँ नीचे। और ये रखा हुआ है इधर हमने तेजाब रखा है, और ये डालती हूँ मैं थोड़ा सा पानी में डाल लेती हूँ, क्योंकि पानी में डाले ना तो फिर जो है ना ये आसानी हो जाती है, वैसे बहुत ज़्यादा ना ये तेज़ होता है। और ये मैंने डाल लिया है पानी में तेजाब, तो अब मैं इसको थोड़ा सा इसको ऊपर कराती हूँ, ये देखें इसको ऊपर कराऊँगी तो ये ना हो जाएगा सॉफ्ट, अभी उसको ऊपर से करती हूँ सॉफ्ट, तो आप देखना कितना जो है ना खूबसूरत हो जाएगा, सॉफ्ट शफाफ क्लीन। इधर भी डालती हूँ, तो देखिए व्यूअर्स माशाल्लाह साफ शफाफ क्लीन हो गया है हमारा वॉशरूम, ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए बिल्कुल साफ हो गया, चमकने लग गया माशाल्लाह। चले ये काम भी हो गया, तो अब हम चलते हैं नीचे और जाके देखते हैं कि खाना बड़ी बहू बनाने लगी है, देखती हूँ कितना काम हुआ है अभी, क्योंकि अभी गोश्त भी भगोना था, पता नहीं अभी भगोया कि नहीं, तो चले हम चलते हैं नीचे। ये तो हमारे साथ ही हर वक्त ये मेरे साथ ही रहता है, तोबा तोबा। और ये देखें जी, इधर हमने रखा है गोश्त भगो के रख दिया है, ताकि जो इसमें बर्फ़ वगैरह ना वो पिघल जाए। और इधर मैं बना रही हूँ लहसुन प्याज, और ये रखा है जी कद्दू, सब्ज़ी बनाने लगी हूँ मैं, मैंने कहा सब्ज़ी चले मैं बना लेती हूँ, तो फिर मेरी बहू जो है ना वो खाना बना लेगी, क्योंकि सब्ज़ी बनाने का बड़ा काम होता है, तो जल्दी जल्दी से मैं ये बना लेती हूँ। माशाल्लाह दीदी हमारा वो हो गया है तैयार, बोल रहे हैं, और इधर कद्दू भी काट के रख लिया है, ये देखें, और ये गोश्त हमारा बोल रहा है, देखें। और ये देखें जी, ये माशाल्लाह मिठाई भी आ गई है हमारे घर। तो व्यूअर्स माशाल्लाह जी, मेरी छोटी बहू घर आ गई है, अपने मेके से आ गई है घर, अल्लाह ताला का शुक्र है हरियत के साथ जो है घर पहुंच गए और टाइम से पहुंच गए, आगे अभी शाम होने में बहुत टाइम है, तकरीबन 6 बजे वो पहुंच गए हैं घर में, जैसा मैंने कहा था ना कि 6 बजे आ जाना, तो माशाल्लाह 6 बजे ही घर आ गए, अल्लाह ताला का शुक्र है हरियत से घर आ गए।
और ये मिठाई मेरी बहू लेके आई है अपने मेके से, जब क्योंकि जब दही नहीं शादी हो तो फिर मेके वाले देते ही है ना मिठाई उठाई, तो वो लेके आई है। और ये देखें जी, इस चूज़े ने मुझे बड़ा तंग किया हुआ है, ये देखें ये इतना तंग करता ना, ये हर वक्त जो है ना जिधर हम जाते हैं ना ये उधर ही हमारे साथ साथ ही जो है ना जाता है। अगर मैं बेड के ऊपर बैठी हूँ तो ये बेड के ऊपर चल जो है छलांग लगा कर ऊपर आके बैठ जाता है, बाहर बैठती हूँ तो बाहर मेरे साथ आके ना ऊपर छलांग लगा कर बैठ जाता है। इतना तंग करता है, इसने मुझे तंग किया हुआ है ना, मेरा तो दिल करता है ना कि मैं इसको ना किसी को मैं दे दूँ इसको, क्योंकि ये बड़ा ही तंग करता है। हर वक्त घर में गंद, इधर गंद उधर गंद, कमरे में गंद, हर वक्त गंद ही डालने रखता है ये, तो बड़ा ही तंग करके रखा है इसने हमें। चलो उधर, चलो 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 उधर जाकर बैठो, चलो चलो। ये छोटे से ने बड़ा तंग किया हुआ है इसने, अब किधर आओ, इसने कितना तंग किया। ये अब बड़ा ही डरती है इससे, इतना ज़्यादा डरती है ना इससे, ये अभी थोड़ा सा नज़दीक ही होता है ना तो ये भाग जाती है। और मैं खुद ही से बड़े तंग आ गई हूँ, मेरा दिल करता है कि मैं इसको ना अब दे दूँ किसी को, बड़ा इसने गंद डाला हुआ है। सिर बड़ा हो ना तो फिर नहीं होता कि हमारा सिर बड़ा है, एक साइड पर कच्चा सहन है चले रख लेते हैं, छोटा सा सहन है हमारा, और इधर ही ये इतना गंद डालता है, उधर ही हमने बैठना होता है तो उधर ही ये गंद डाल देता है हर वक्त, ठीक है ना, है ना। ओ ये देखें जी, अब्दुल रहीम हमारा खेल रहा है बाल के साथ, फुटबॉल के साथ खेल रहा है, कहता है देखे मेरा जादू, दिखाओ दिखाओ जादू अब। वाह इतनी दूर गया, वाह वाह सही जादू। और अब्दुल रहमान हमारा खुश हो रहा है, ये देखे ये देखिए जी, हमारा अब्दुल रहमान हो रहा है खुश, असो हेलो, ये देखिए हमारा शहजादा, ये देखे जी, वाह जी वाह शहजादा। वाह जी वाह। अच्छा अब्दुल रहमान, अब्दुल रहीम मेरी बात सुनो, इधर आना, इधर तो मेरा बेटा, ये देखे जी, ये उस्मान ने चाय बनाने के साथ साथ ना अब पापड़ भी निकालना शुरू हो गया है। जी कारोबार बढ़ गया मेरा, ये देखे कारोबार तरक्की कर रहा है, पापड़ चाय पापड़ अब पापड़ बना रहे उस्मान, अब एक साइड पे हो जाओ प्लीज, उधर प्लीज आप किचन से पैर चले, ये देखे ये हमारा उस्मान ना अब पापड़ बना रहा है, पापड़ ताल रहा है, ये कच्चे तो लगाते हैं, चलो हो गया, हाँ हो गया, फिर ज़्यादा हो जाएंगे फिर वो काले हो जाते हैं फिर, ये देखें जी ऐसा, शाबाश वाह जी वाह वाह। देखिए ये सामान बना रहा है, चाय सामान का यही काम है, चाय बनाना पापड़ बनाना, मैंने इधर दूध रखा हुआ है गर्म करने के लिए, और इधर मैं बना रही हूँ रोटियाँ, ये देखिए मैं रोटियाँ बना रही हूँ इधर, और सारा माशाल्लाह हमारा बन गया है, बन के और इधर सामान अपनी ड्यूटी संभाल रहा है जी, सामान बना रहा है, चाहे मैं खाना बनाती हूँ या भी नाश्ता वगैरह, तो सामान आके ना जल जल गिर वो चाय बनाना शुरू हो जाता है, तो मामा ये सीट जो है ना मैं संभाल लेता हूँ, आप ये समझदारी मैं पूरी कर देता हूँ चाय बनाने वाले, और चाय माशाल्लाह ये बड़ी मज़ेदार बनाता है, इतनी सुखाते हैं सुखा सुखा के तो बस का पास आधा कप जो है ना वो चाय रह जाती है, इतनी सुखाता है ये चाय, वो मज़ेदार तो बनेगी जब इतनी इसको सुखा दे, इतनी ज़्यादा तो बहुत बड़ी ज़्यादा चाहे किसी के लिए बचे या ना बचे।